ये कराची के मनाजिर आप देख सकते हैं, बोल न्यूज ऑफिस के मनाजिर एक जानब आप देख सकते हैं। मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है जश्न आज़ादी को, हम रुख कर लेते हैं लाहौर का, जहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मुइन जुबैर। मुइन आगाह कीजिएगा, आप इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, जिंदा दिलाने लाहौर तो बहुत एक्साइटेड होकर जश्न आज़ादी मनाते हैं, आप इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, क्या आपने बयान खुद से कर दिए, जिंदा दिलाने लाहौर बड़े ही जोशो खरोश से आज़ादी का ये दिन जो है वो मनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल इस वक्त लाहौर भर में है, ख़ास तौर पर जो लिबर्टी राउंड अबाउट है, गुज़िश्ता कई सालों से आज़ादी का जैसे ही दिन शुरू होता है, 14 अगस्त जैसे शुरू होती है, लोगों की एक बड़ी तादाद रात गई इधर उमड़ आती है। और इस वक्त भी आप मनाजिर देखें तो लिबर्टी राउंड अबाउट पर लाइट शो का खसूसी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से एहतमाम किया गया है, और यहाँ पर बच्चे हों बड़े हों सभी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी का जो ये दिन है वो मनाया जाए। आप फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, सर थोड़ा शीशा नीचे कीजिएगा, आज़ादी का दिन मनाने के लिए निकले हैं, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप, खुद से बताइए। बहुत मज़ा आ रहा है, अपने मुल्क की आज़ादी देख के बहुत मज़ा आ रहा है, अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको कुछ मनाजर और भी दिखाते हैं, कैमरामैन फहद आपको इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट के मनाजर दिखाएंगे, और लोगों का जोश व खरोश अपनी गाड़ियों पर, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले हैं, सब हिलाली परचम इस वक्त गाड़ियों के ऊपर लगाए गए हैं, कुछ लोग यहां पर बाहर मौजूद हैं अपने अहले खाना के साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज़ादी का दिन क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गहमा गहमी देख रहे हैं आप? हम लोग जो है वो सेंटर पार्क से आए हैं, और यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा हमें खुशी महसूस हुई है। कितनी देर में पहुँचे हैं हम लोग? तकरीबन एक से डेढ़ घंटा हमें लग गया। अच्छा। और काफ़ी ज़्यादा रश था, और लोगों को देखकर हम दिली तौर पे बड़े खुश हुए हैं कि लोग अभी भी ज़िंदा हैं इन हालात में, किस तरह के लोग पिसे हुए हैं, लेकिन इस खुशी को देख के मेरा दिल जो है बड़ा खुश हुआ है। लोगों का दिल खुश हो रहा है, आपको मनाजिर और भी दिखाएंगे और कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की और लोगों से बात करेंगे, लेकिन आगे जगह कम है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी इस वक्त नज़र आ रही है। लोगों की इस वक्त कोशिश है कि लिबर्टी राउंड अबाउट पर हर साल की तरह इस साल भी अपनी अहले खाना के साथ आज़ादी का ये जो दिन शुरू हुआ है उसको मनाया जाए। सर कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर कैंट से रहता हूँ। तो कितनी देर में यहाँ पहुँचे हैं और कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं, सुनने वालों को बताएं, दीगर शहरों के लोग भी सुन रहे हैं आपको। जी यहाँ पे काफ़ी जोश व खरोश है लोगों का, और ट्रैफिक का थोड़ा सा मसला हो रहा है, काफ़ी देर से फंसे हुए हैं। ट्रैफिक का तो मसला होना है क्योंकि बाइक्स हों या गाड़ियां हों, पर हर तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग हद निगाह तक नज़र आएंगे, सब हिलाली परचमों से गाड़ियां सजाए रखी हैं लोगों ने, और कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, अगर उनसे हम बात करने की कोशिश करें। मैडम क्या कहना चाहेंगी, बड़ी खुश हैं और यकीनन आपकी तरह तमाम लोग भी खुश हैं कि आज आज़ादी का दिन है? बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो देखने के लिए आगे आए थे लेकिन यहीं पर फंसे हुए अभी तो। और कितनी देर से फंसे? तकरीबन आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया, लेकिन यहाँ पर फंसने का ही अपना मजा है क्योंकि बिल्कुल मैं वही देख रही हूँ कि सारे सब कुछ वगैरह सब कुछ भूल के सब एंजॉय कर रहे हैं। ये अच्छा सर, आपसे भी बात करेंगे थोड़ा सा, अगर आप आगे आएं और हमें बताएं कि आज़ादी का दिन ये पूरी फैमिली आपकी आई है तो कैसे उन्होंने जिद की, आमतौर पर तो फैमिली को जश्न में नहीं लाया जाता, क्या तासुरात हैं, जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? मोइन आपकी तरह वापस भी आएंगे, अभी हम चलते हैं कराची का रुख करते हैं जहाँ पर हमारे नुमाइंदे फयाज भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं। शाहरुख शाह ने भी हमें ज्वाइन कर लिया कराची से ही। शाहरुख बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं आप? और जोशो खरोश से मनाई जा रही है, और इस वक्त जो एक समा है वो ऐसा लग रहा है कि ईद सा समा है क्योंकि शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो सड़कों पर निकल आई है, और ये कहना गलत ना होगा कि तकरीबन सारे ही कराची वाले सड़क पर आ गए हैं, और दूर दूर तक जहाँ भी नजरें घुमाई जाए तो सिर्फ
लोग ही लोग नजर आ रहे हैं मेरे कैमरा में। फ्लैग्स की सेलिब्रेशन होती है उसी तर्ज पे आज कराची में तीन तलवार पे जो कंट्री एट के नाम से बिल्डिंग है उधर ये जो है वो 3D के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग नशर किया गया। अभी भी इस वक्त ये वो बिल्डिंग है जहाँ पे पहले काउंटडाउन स्टार्ट की गई और एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पे जो है वो बकायदा देखने के लिए यहाँ पे आई हुई थी। जी मुझे बताइएगा कि आपने पहली दफ़ा कराची में पाकिस्तान में डिजिटल इस सेलिब्रेशन इस तरीके से कितनी खुशी है? मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कोई इनिशिएटिव कंट्री बिल्डर्स ने लिया है। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कराची में ऐसा पहली बार देखने को मिला एंड आई थिंक जितने भी लोग यहाँ आए थे उन्होंने भी काफ़ी इंजॉय किया तो काफ़ी अच्छा। जी बिल्कुल, जैसे कि देख रहे हैं इस वक्त जो है वो ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी, अब जो है वो ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हुआ है, वरना यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी सिर्फ इस सेलिब्रेशन को देख। जो ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हम जानते हैं कि इन्होंने ये इनिशिएटिव किस तरीके से लिया। इरफान भाई मुझे बताइएगा किस तरीके से क्या सोचा इनिशिएटिव इस बारे में? हम मुल्क से बाहर जाते हैं, अपने मुल्क से बाहर जाके सब चीज़ें पाकिस्तान से बाहर देखते थे कि बुर्ज खलीफा के ऊपर इस तरह की लाइट्स होती थी, तो क्यों नहीं पाकिस्तान सिंगापुर बन सकता, क्यों नहीं पाकिस्तान दुबई बन सकता। ये कॉन्सेप्ट था बिल्डर का भी, हमारे ऑनर हैं उनका भी यही कॉन्सेप्ट था। हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया उनकी मदद के साथ और ये एनिमेशन को कामयाब बनाया कि पाकिस्तान का फ्लैग भी एनिमेटेड हो सकता है, पाकिस्तान में भी फायरवर्क्स एनिमेटेड हो सकते हैं और पाकिस्तान भी जिद्दत में आ सकता है। जी बिल्कुल, देखें बहुत खूबसूरत जो है वो बिल्डिंग लग रही है। अगर मेरा कैमरामैन काशिफ अमीर दोबारा अगर दिखाए तो बहुत खूबसूरत जो है वो डिजिटलाइज जो है वो बिल्डिंग बनाई गई और फायरवर्क्स जब हो रहे थे हमारे नाज़रीन को हमने लाइव भी जो है वो दिखाया, बहुत खूबसूरत मनाजिर थे। फैमिलीज यहाँ पे जो है वो क्लिफ्टन डिफेंस और दीगर लोग मुजारा किया जा रहा है, शानदार आतिशबाजी हो रही है। फैयाज बुखारी हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। फैयाज बुखारी बताइएगा क्या मनाजिर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहां पर? जी अगर मनाजिर की बात की जाए तो जबरदस्त समा है, ऐसा लग रहा है कि ईद हो रही है। शहर कायद की आवाम जो है वो सारी की सारी आवाम जो है वो सड़क पर आ चुकी है और जो खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है वो काबिले दीद है। इतने ज़्यादा लोग सड़कों पे मुझे लगता है कि शायद पहले कभी नहीं निकले होंगे और इस कदर लोग हैं कि बस लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, हाथों में झंडे लहराए हैं, किसी ने जो है वो बालों को रंगा हुआ है हरे और सफ़ेद रंग से, तो किसी ने चेहरे पर हरे और सफ़ेद रंग से चांद सितारा बनाया है। एक ज़बरदस्त समा है, लोग जो है वो यहाँ पर भंगड़े डालते नज़र आ रहे हैं, रक्स करते नज़र आ रहे हैं, मिली नगमे चल रहे हैं और इस कदर शोर शराबा हो रहा है कि फायरवर्क्स भी साथ साथ चल रहे हैं और पूरा ही शहर ऐसा लग रहा है के सब सड़कों पर मौजूद है। इस कदर शोर है कि क्या ही बात है, मिली नगमों ने तो ऐसा लग रहा है कि जोश व जज्बा तो बाला कर दिया है और शहर कायद की जो आवाम है वैसे बहुत कम उसे खुशी के मौके मिलते हैं, लेकिन इस किस्म का मौका मिले तो वो हर लिहाज से इंजॉय करते नज़र आते हैं। मेरे कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ अगर आपको कुछ हद तक दिखाएं कि इस वक्त जो है वो किस कदर जो है वो लोग हैं जो है वो झंडे लहराते इंजॉय करते खुशी का इजहार करते नज़र आ रहे हैं और दूर दूर तक एक ज़बरदस्त समा नज़र आ रहा है और ये 5-स्टार चौरंगी है और इस वक्त जो है ओवरहेड ब्रिज पर भी शदीद लोग मौजूद हैं और दूर दूर तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं और एक सड़क जो है उस जानिब जो है उसे खोला गया है शहरियों के लिए कि अगर किसी को एमरजेंसी हो और वो गाड़ियों में एम्बुलेंसेस के तहत या अगर कोई एमरजेंसी में जाना चाहे तो वो बआसानी जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब दूसरी रोड जो है उसे मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया है। 5-स्टार वो मशहूर शाहरा है जिसकी चारों जाने से एक बड़ी तादाद है सेंट्रल की बस्ती की, वो यहाँ पर जमा हो जाती है। उसमें नॉर्थ नाजामाबाद के तमाम ब्लॉक्स हैं और न्यू कराची नॉर्थ कराची के तमाम सेक्टर्स हैं, वो तमाम के तमाम लोग जो हैं इस 5-स्टार चौरंगी का रुख करते हैं। पहले किसी ज़माने में जो है वो दीगर जमातें करवाती थी और इस बार जो है वो फायरवर्क्स का एहतमाम शहरियों की जानिब से किया जाता है क्योंकि अब जो है कोई सियासी जमात यहाँ पर अब फायरवर्क्स नहीं करवाती, तो शहरी अपनी मदद के तहत जो इसे इंजॉय करना चाहते हैं वो स्पीकर से आते हैं, रक्स करते नज़र आते हैं, ढोल धमाके करते नज़र आते हैं और कुछ लोग जो है वो यहाँ पे पटाखे फोड़ते और फायरवर्क्स आतिशबाजी करते नज़र आते हैं। लंबे लंबे जो है वो लोग जो है वो हाथों में झंडे लिए इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। शहरियों का जो रक्स है वो ज़बरदस्त है, एक काबिले दीद समा है और लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि
जश्न जो है वो जिंदा कौमें ही मनाती हैं, और इस कदर जश्न मनाया जा रहा है कि जिंदा दिले कराची जो है वो एक जबरदस्त बाजी ले गए हैं। और बहुत हमें किस तरह से जश्न आजादी सेलिब्रेट किया जा रहा है, यहाँ पर कैसा जोश खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सूबाई दारुलहुकूमत क्वेटा का जो जश्न आज़ादी का मरकज़ी प्रोग्राम है वो PDMA के हेड ऑफिस में किया जा रहा है, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के अलावा सूबाई वज़रा अराकीन असम्बली आला हुकाम के अलावा आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है और सेलिब्रेशन कर रहे हैं जश्न आज़ादी को। जूँ ही 12 बज चुके, इसके साथ ही आतिशबाजी का बेहतरीन मुजाहरा देखने को मिला। शहरी और आवाम इस वक्त पुरजोश है और जज्बे का इजहार कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुकामात पे जश्न आज़ादी की खुशी में यहाँ जो मुकामी छाप है अतड़ है वो कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त इस मरकज़ी तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी मौजूद है। जी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लिबर्टी राउंड अबाउट पर हर तरफ इस वक्त गाड़ियां, मोटरसाइकिल और लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो ज़िले इंतज़ामिया का लाइट शो है वो इस वक्त लिबर्टी राउंड अबाउट पर तवज्जा का मरकज बना हुआ है, और हमने देखा है कि इस साल जो है वो फायरवर्क्स लाहौर में नहीं किया गया क्योंकि मुहर्रमुल हराम है, और कोशिश ये की जा रही थी कि जो कोरोना वबा की वजह से लोग जो एक जगह इकट्ठे ना हो, लेकिन ये जो लिबर्टी राउंड अबाउट है इस पर लोग अपनी गाड़ियों में और मोटर बाइक्स पर फैमिलीज़ के साथ जो है वो सफ़र कर रहे हैं और गाड़ियों के अंदर ही रह रहे हैं। लेकिन जो लोग इस वक्त बाहर खड़े हैं उनसे बात करते हैं। भाईजान कब से आए हैं आप? हम तकरीबन यहाँ पे घंटा के हो गया हैं। एक घंटा हो गया है, तो आज़ादी के लिए ही ख़ास तौर पर आज़ादी का जश्न मनाने आए हैं या फिर कोई और मकसद के लिए निकले थे, कोई घर के काम के लिए या कोई और मकसद? ऐसे ही ये कुछ बच्चे वगैरह इकट्ठे हुए थे कि हमने बाहर आज़ादी देखनी है, माहौल देखना है, तो हमने कहा चलें आपको दिखा लाते हैं। तो बस ये सारे माशाल्लाह इतनी सेहत वाले बच्चे सारे। अच्छा, बिल्कुल लोग खुश हैं, लोग खुश हैं और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आए हैं, और इनकी सबकी यही कोशिश है कि आज़ादी का जश्न जो है वो अच्छे तरीके से मना लिया जाए। हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और लोगों से बात करेंगे, जो फैमिलीज आई हैं उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा ये बताएं, आमतौर पे तो फैमिलीज ऐसे रशती है, आप कैसे मना रहे हैं अपने खावंद को? कैसे मना रहे, बस कहाँ तो आगे। अच्छा बच्चों ने क्या कहा था कि आज़ादी का जश्न देखना है लिबर्टी राउंड पर? सर आप ही बताएं। आज़ादी का जश्न है, बच्चे भरपूर इंजॉय कर रहे हैं और इस मौके से बच्चे भी पूरा फायदा उठाते हैं और हम बच्चों के साथ निकल के बाहर इंजॉय कर रहे हैं।